हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अप्रेंटिस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि फर्स्ट ईयर जो फोर्थ सेमेस्टर पास आउट हैं उनके लिए एक अप्रेंटिस निकला हुआ है एमपी में, जो कि एनसीएल के माध्यम से निकला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एनसीएल लिखा हुआ है, एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका किस डेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 5/10/2018 के डेट पर ये निकला हुआ है। आप इसे अप्रेंटिस में भर सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ दिया है नोटिफिकेशन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस एंगेजमेंट कुछ दिया हुआ है। ये ट्रेड है, इसमें ट्रेड किस ट्रेड के निकले हुए हैं, इसमें वेल्डर दिया हुआ है, गैस इलेक्ट्रिक, यहाँ दिया, देखिए फर्स्ट दिया हुआ है वेल्डिंग वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक, जो कि यूआर का है 47, ओबीसी का है 13, एससी का है 12, एसटी का है 16, इसमें ये दिया हुआ है। फिर इलेक्ट्रिशियन का दिया हुआ है यूआर का, यानी जनरल का दिया हुआ है 94, ओबीसी का दिया हुआ है 24, एससी का दिया हुआ है 25 और एसटी का दिया हुआ है 36। और फिटर का देख लेते हैं, फिटर का दिया हुआ है 88, ओबीसी का दिया हुआ 25, एससी का दिया हुआ 27, एसटी का दिया हुआ 34। तो टोटल है वैकेंसी निकला हुआ है 229 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 62, एससी के लिए 64, एसटी के लिए 86 और मेन है 14 ये। फिर यहाँ पर दिया हुआ है टोटल, और फिर यहाँ पर वन ईयर यानी एक साल के लिए अप्रेंटिस दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट एनसीएल आफ्टर आईटीआई, यानी आईटीआई के बाद, यानी जो आईटीआई पास आउट है वो आप इसे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर भी दिया है, थर्ड में है फॉर फिटर 10 पास आईटीआई इन फिटर ट्रेड एनसीबीटी एससीबीटी, यानी एनसीबीटी एससीबीटी आप लोग भर सकते हो, अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दिया कैंडिडेट एट 45, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर ऑल ट्रेड, यहाँ पर भी दिया है फॉर ऑल ट्रेड, यानी जितने भी ट्रेड हैं सबके लिए ये अप्रेंटिस निकाला हुआ है। इसमें लिखा है द क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड सेल बी फॉर एनसीबीटी एससीबीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एज अ फुल टाइम रेगुलर, यानी रेगुलर इन एग्रीगेट इन केस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगेंस्ट एब्जर्व्ड पोजीशंस, यानी आप दिया हुआ है कट ऑफ डेट दिया हुआ है। तो कट ऑफ डेट क्या है, 1/4/2018 यहाँ पर दिया हुआ, आप पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट दिया है, फिर एज दिया है 16, मैक्सिमम 24, मिनिमम 16 है और मैक्सिमम 24 है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ओबीसी के लिए कितना है, एससी एसटी के लिए कितना है, आप इसे देख सकते हो। एससी एसटी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, हर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर दिया है प्रोसीड्यूसर टू अप्लाई, यानी इसमें आईटीआई मार्कशीट मांगा है। रिसेंट क्लियर कलर फोटोग्राफ फर्स्ट दिया है, सेल्फ सिग्नेचर दिया है, तीसरा दिया है पेरेंट्स और गाइड्स सिग्नेचर, फिर दिया है आईटीआई मार्कशीट, यानी मार्कशीट मांगा आईटीआई का। फिर इसके बाद 10/8/10 पास मार्कशीट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड आधार कार्ड, फिर नीचे देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट डॉट नॉर्म
बैंक अकाउंट डिटेल पूछा है दसवें नंबर पे। अब इसे देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में दिया है एट फर्स्ट विजिट वेबसाइट, यानी वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है www.apprenticeship.government.in, यानी ये इस वेबसाइट पर आपको आपको फॉर्म मिल जाएंगे। यहाँ पर थर्ड में भी दिया है, देखिए लास्ट लाइन www.apprenticeship.government.in, ये पर दिया हुआ है NCL ऑनलाइन अप्लीकेशंस फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 18-19, यानी एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप है जो कि आप इसमें भर सकते हो, या गवर्नमेंट है। फिर इसके बाद इसका लास्ट चलिए देख लेते हैं, ये सब दिया हुआ है इसका नियम कानून, आप इसे देख सकते हो। ये 5 को प्रकाशित हुआ था, इसका लास्ट डेट है 12 को, इसकी भी टाइमिंग है 11 बजे से 4 बजे तक। अब इसको फिलअप कर सकते हो फॉर्म को, क्या हुआ है चलिए जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फर्स्ट डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था इसकी ओपनिंग हुई थी 06/10/2018, यानी 06/10/2018 इसका है। फिर इसका लास्ट डेट है सबमिशंस ऑन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी 12/11/2018, यानी अगले मंथ 12/11 को ये लास्ट डेट है। आप इसे देख सकते हो, यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट में कंटेंट ऑन एनी वर्किंग डेज बिटवीन 11 यानी 11 AM टू 4 PM टू द फॉलोइंग, यानी 11 सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक आप इसे ऑनलाइन भर सकते हो, या ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है एप्लीकेशन। यहाँ पर दिया हुआ ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर HRD दिया हुआ है, NCL CETI सिंगरौली MP, ये नंबर दिया, कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, फैक्स नंबर देख सकते हो, यहाँ पर एकदम क्लियर दिखा दिया है कॉन्टेक्ट नंबर और फैक्स नंबर, तो आप इसे देख सकते हो। फिर इसके बाद नीचे दिया है कॉपी फॉर काइंड इंफॉर्मेशंस, यानी CMD NCL दिया हुआ है, डायरेक्टर का नाम दिया है, टेक जो भी दिया है आप इसे आप देख सकते हो, थोड़ा सा थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं। इसे आप पढ़ सकते हो, कॉपी ऑफ काइंड इंफॉर्मेशन और लाइव डेट